आज बाबा गुल्ली बुल्ली सोन और सारे लोगों को मेला घुमाने के लिए ले जाने वाले हैं और इस बार मेले में सारा खर्चा बाबा ही करेंगे। बाबा अपनी बाइक पे रेड क्रिमिनल को लेकर गुल्ली बुल्ली के घर आते हैं। बाबा कहते हैं, अरे तुम लोग अभी तक यहीं पे हो, क्यों, क्या हुआ, किसका इंतजार कर रहे हो? रॉड बाबा से कहता है, बाबा आप यहाँ क्यों आ गए, हम सब बस आपके घर आने ही वाले थे, हम लोग बस 5 मिनट में यहाँ से निकलने ही वाले थे। अरे ये क्या, बाबा तो बाइक को छोड़कर नीचे कूद गए। बाबा रॉड से कहते हैं, हाँ तो तुम लोग यहाँ से निकलने में इतनी देर क्यों कर रहे हो? अरे ये मेरा बाइक गिर कैसे गया? बाबा रेड क्रिमिनल को नीचे गिरा देखकर कहते हैं, अरे क्या हुआ रेड क्रिमिनल, तुम कब और कैसे गिर गए? रॉड कहता है, छोड़िए ना बाबा, ये तो हमेशा गिरता पड़ता ही रहता है। रॉड की ये बात सुनकर सारे लोग हंसने लग जाते हैं। तभी रेड क्रिमिनल उठकर खड़ा हो जाता है। नो। रेड क्रिमिनल उठकर रॉड से कहता है, रॉड तुम क्या कह रहे थे कि मैं हमेशा गिरता पड़ता ही रहता हूँ? रॉड कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम गुस्सा मत करो। तभी बाबा कहते हैं, अरे ये सब बातें छोड़ो और चलो मेला देखने चलते हैं। हाँ बाबा, लेकिन बुल्ली को तो आ जाने दीजिए, वो अभी घर के अंदर तैयार हो रहा है। बाबा कहते हैं, अरे बुल्ली को तैयार होने में इतना टाइम क्यों लगता है, कहीं वो लड़की के जैसा मेकअप तो नहीं कर रहा है ना? बाबा ये बोल ही रहे थे कि तभी बुल्ली तैयार होकर घर का दरवाजा खोलता है। अरे ये क्या, बुल्ली तो सच में पूरा सज धज कर मेला जा रहा है। बाबा बुल्ली को देखकर कहते हैं, अरे वो देखो बुल्ली आज कितना ज्यादा स्मार्ट लग रहा है। अरे ये बुल्ली ऐसे क्यों चल रहा है? बुल्ली की ये चाल देखकर रॉड कहता है, तुम लोग देखो जरा बुल्ली को, बाबा की तारीफ को सुनकर कैसे चलते हुए आ रहा है। ये बोलकर रॉड अपने सीट पे बैठ जाता है। और इधर बाबा रेड क्रिमिनल से कहते हैं, अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो, चलो मेरी मदद करो बाइक को उठाने में। और इधर बुल्ली भी जीप में चढ़कर बैठ जाता है। सारे लोग मेले में घूमने के लिए बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। रेड क्रिमिनल और बाबा दोनों मिलकर बाइक को उठाते हैं। रेड क्रिमिनल बाइक को स्टार्ट करके देखता है कि बाइक ठीक भी है या नहीं। बाबा कहते हैं, देख क्या रहे हो, मेरी बाइक है, इतनी जल्दी थोड़ी ना खराब होगी। रॉड कहता है, गाड़ी स्टार्ट करो आलोक और चलो बाबा के पीछे पीछे। ठीक है रॉड, अभी स्टार्ट करता हूँ। आलोक जीप को स्टार्ट कर देता है और बाबा के पीछे पीछे जाने के लिए तैयार हो जाता है। रेड क्रिमिनल बाबा को बाइक पे पीछे बैठाकर लेकर जाने लगता है और पीछे पीछे आलोक अपनी जीप को लेकर जाता है। गुल्ली बुल्ली सोन चुन्नी रॉड और बाकी के सारे लोग आज मेले में बहुत ज्यादा मजे करने वाले हैं, क्योंकि ये लोग आज बहुत दिनों के बाद बाबा के साथ मेला देखने जा रहे हैं। इस बार मेला बाबा के घर से 12 किलोमीटर दूर में लगा है और उस मेले में जाने का रास्ता भी बाबा के घर की तरफ से ही है। ये लोग जा ही रहे थे कि तभी सोन बाबा से कहता है, वो देखिए बाबा आपका घर आ गया। अरे ये क्या, ये लोग तो बाबा के घर के पास वाले रोड से ही जा रहे हैं। सोन बाबा से कहता है, बाबा आपने कुछ देखा, आपका घर का दरवाजा तो पूरा खुला हुआ था। बाबा कहते हैं, अरे सोन कैसी बात कर रहे हो, मैं अपना घर का दरवाजा कभी बंद करता ही नहीं हूँ और वैसे भी मेरे घर में एक खाट के सिवाय कुछ है ही नहीं, तो चोरी क्या होगा। तभी चुन्नी कहता है, अरे हम लोग मेला कब तक पहुंचेंगे और कितना टाइम लगेगा? बुल्ली कहता है, चुन्नी ये बात तुम बाबा से ही पूछ लो, क्योंकि मेला जाने का रास्ता बाबा को ही पता है। बाबा चुन्नी की ये बात सुन लेते हैं और चुन्नी से कहते हैं, चुन्नी अब हम लोग थोड़ी देर में मेले में पहुंच ही जाएंगे, बस अब हमें इस जंगल को पार करना है। क्या बाबा, हमें मेले में इस जंगल को पार करके जाना होगा? बाबा कहते हैं, हाँ गुल्ली, मेला हर बार जंगल के उस पार वाले गांव में लगता है, तो बाबा वहां जाने का रास्ता तो है ना? हाँ गुल्ली, रास्ता इस तरफ से ही होगा। बाबा और रेड क्रिमिनल को मेला वाला बोर्ड दिख जाता है और रेड क्रिमिनल अचानक से बाइक को रोक देता है। बाबा जोर जोर से चिल्लाकर जीप को रोकने के लिए कहते हैं। आलोक बाबा की आवाज को सुनकर जीप को रोक देता है। बुल्ली बाबा से कहता है, क्या हुआ बाबा, आप दोनों अचानक ऐसे रुक क्यों गए? बाबा कहते हैं, वो देखो बुल्ली, सामने मेला जाने का बोर्ड लगा हुआ है, हमें इसी रास्ते से जंगल को पार करना होगा। चलो आलोक गाड़ी घुमाओ और आ जाओ मेरे पीछे पीछे। बाबा की ये बात सुनकर सारे लोग बोर्ड को देखने लग जाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम लोगों को मेला जाना है या फिर यहीं पे खड़े रहना है? चलो रेड क्रिमिनल, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। बाबा की ये बात सुनकर रेड क्रिमिनल बाइक को लेकर जंगल के अंदर जाने लगता है और फिर आलोक भी अपनी जीप को लेकर बाबा के बाइक के पीछे पीछे चला जाता है। जंगल का रास्ता बहुत ही खराब और उबड़ खाबड़ था। आलोक जीप को लेकर बाबा के पीछे पीछे आ ही रहा था, तभी अचानक से बाबा देखते हैं आलोक पीछे से गायब है। बाबा रेड क्रिमिनल से कहते हैं, बाइक को जल्दी रोको, मुझे लगता है वो लोग रास्ता भटक गए। बाबा तुरंत ही बाइक से नीचे कूद जाते हैं और इधर उधर जंगल में देखने लगते हैं। रेड क्रिमिनल कहता है, बाबा वो लोग तो हमारे पीछे पीछे ही आ रहे थे ना, तो फिर अचानक से वो लोग कहाँ गायब हो गए? बाबा कहते हैं, हो सकता है रेड क्रिमिनल की आलोक हमें इन पेड़ों की वजह से देख नहीं पाया और वो जीप को लेकर दूसरी तरफ चला गया। तुम यहीं पे रुको, मैं जाकर देखता हूँ कि वो लोग कहाँ हैं। ये बोलकर बाबा उन लोगों को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और इधर आलोक को बाबा की बाइक दिखाई नहीं देती है, तो आलोक अपनी जीप को रोक देता है। सारे लोग ये समझ जाते हैं कि ये लोग रास्ता भटक चुके हैं।
सारे लोग जीप में खड़े होकर जंगल में इधर उधर देखने लगते हैं। तभी बुल्ली कहता है, अरे ये क्या रेड क्रिमिनल इतनी तेजी से बाबा को लेकर कहाँ चला गया, हम उन्हें इतने बड़े जंगल में कहाँ ढूंढेंगे। रॉड कहता है, तुम टेंशन मत लो बुल्ली, वो दोनों हमें छोड़कर ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। और इधर बाबा उन लोगों को ढूंढने के लिए एक ऊंचे से चट्टान के ऊपर चढ़कर खड़े हो जाते हैं और फिर जंगल के अंदर इधर उधर देखने लगते हैं कि कहीं उन लोगों का जीप दिखाई दे दे। बाबा को जब जीप कहीं भी दिखाई नहीं देती है तो बाबा जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि कहीं वो लोग बाबा की आवाज को सुनकर ये समझ ले कि बाबा किस तरफ है। और इधर अरे ये क्या, रॉड और ग्रीन क्रिमिनल जीप से नीचे उतरकर बाबा को इधर उधर ढूंढ रहे हैं। अरे ये क्या, इस जंगल में तो टाइगर भी है, कहीं ये टाइगर बाबा की चिल्लाने की आवाज को सुनकर बाबा के पास न पहुंच जाए। तभी बाबा की चिल्लाने की आवाज को आलोक सुन लेता है और आलोक कहता है, अरे उस तरफ से बाबा के पुकारने की आवाज आ रही है। अरे ये तो बॉबर बक है, लेकिन ये दोनों ऐसे क्यों छिप रहे हैं? अरे ये दोनों तो बाबा से छिप रहे हैं, ये बक किसे इशारा कर रहा है? अरे बाप रे, ये तो कोई खतरनाक मॉन्स्टर लग रहा है। बाबा को मॉन्स्टर पीछे से देख रहा है, कहीं इस मॉन्स्टर को किसी ने बाबा को मारने के लिए तो नहीं भेजा है ना। मॉन्स्टर बाबा को खड़े होकर घूर घूर कर देख रहा है। अरे ये क्या, मॉन्स्टर तो बाबा की तरफ ही जा रहा है, कहीं ये मॉन्स्टर बाबा के ऊपर पीछे से हमला न कर दे। अरे ये क्या, बाबा ने तो इस मॉन्स्टर को देख लिया, पता नहीं ये मॉन्स्टर बॉबर बक के कहने पे बाबा के पास क्यों आ रहा है। लगता है इस मॉन्स्टर को किसी ने बॉबर बक के साथ बाबा को मारने के लिए ही भेजा है, लेकिन वो कौन हो सकता है ये सब हम लोग पार्ट टू में देखेंगे। पार्ट टू देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।